आया बाइक में दम। ये सब करना इतना आसान भी नहीं था। इस तरह के काम जब भी हम करते हैं हमें चाहिए होती है फिनिशिंग, और फिनिशिंग करना सबके बस की बात नहीं होती। यहाँ पर मैंने करवा दिया गोल्डन, जो कि आप देख सकते हो सस्पेंशन को एक अलग ही लुक दिया है। मोटे टायर होने की वजह से एक बल्कनेस बाइक में आ गई और बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है। ऑरेंज पे ब्लैक और ब्लैक पे ऑरेंज कॉम्बिनेशन। और जो इंटरसेप्टर आती है उसमें क्या होता है, कस्टम कलर जो रॉयल एनफील्ड से आता है उसमें ये लोगो नहीं होता, इसीलिए मैंने ऑरेंज ली और इस पे ये लोगो इंस्टॉल है। और अब जो लुक आ रहा है वो अलग ही लेवल का है, ऑल ओवर वाटरप्रूफ ग्राफिक्स। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज के सिनेरियो में हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के ग्राफिक्स पर, क्योंकि जो ऑरेंज कलर आ रहा था वो बिल्कुल सिंपल और प्लेन था, तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है, ग्राफिक्स का काम करवाया, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आप देख रहे हो क्योंकि पीछे जो बाइक खड़ी है वो कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा रिवाइंड करो और पीछे जाके देखते हैं, और चलिए शुरू करते हैं कैसे ये काम हुआ, कहाँ से हुआ, कितने का कराया है और किस बंदे ने किया है। तो सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे दे रखी है, लेकिन पूरी वीडियो जरूर देखना तभी आपको पता चलेगा ये काम कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो ला देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, टेपिंग करने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि बिफोर एंड आफ्टर आपको आइडिया हो सके कि पहले कैसी लग रही थी और फाइनल होने के बाद कैसा लगता है। तो फिलहाल काम शुरू हुआ नहीं है, लेकिन एक बार मैंने सोचा कि आपको कंडीशन दिखा देता हूँ ताकि इंस्टॉल होने के बाद कैसा लुक आता है, अब बेटर है या उसके बाद बेटर है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पेपर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो 3M क्वालिटी का है, जो कि बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है, तो इसी को लगाएंगे। और काफ़ी हैवी क्वालिटी है, मतलब बहुत थिक है, बहुत अच्छा भी है, तो इसी को इंस्टॉल करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं।
फाइनल होने के बाद गाइस आप देख सकते हैं अपनी ब्यूटी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, आप देख सकते हो गाइस। आई होप आपको भी उतनी अच्छी लग रही है जितनी मुझे लग रही है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को करा के ना हम बाइक को नया लुक दे देते हैं, और जो खुशी होती है ना वो अलग लेवल की होती है यार। तो ये जो मैंने कस्टम करवाया है इसमें ज़्यादा, वैसे मैं बता दूँ आपको, पता ही है कि ये ग्राफिक्स है, पेंट नहीं है। जब दिल करेगा इसको हटा भी दूंगा। और सबसे बड़ी बात, जो बाइक का ओरिजिनल कलर है वो वैसा के वैसा ही है, हमने पूरा रैप नहीं कराया, क्योंकि आजकल फैशन से चल गया है कि लोग टैंक को अलग कलर कर देते हैं, तो मैंने वैसा नहीं करवाया। और अभी तक YouTube पर शायद किसी ने ऐसा नहीं कराया होगा, क्योंकि जो कस्टम रॉयल एनफील्ड का आता है वो ब्लैक तो होता है आगे, लेकिन पीछे की साइड में होता है रेड, जो कि रेड हल्का सा उसको ना दबा देता है कलर। और ये ऑरेंज जो है ये खिलता हुआ ऑरेंज, यानी ग्लॉसी, हाई ग्लॉसी है, तो इसमें क्या है कुछ ज़्यादा ही लुक निकल के बाहर आ रहा है। और वही मैंने कुछ कॉम्बिनेशन सा इसके यहाँ पैनल पे, साइड फेंडर पे कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो, जो मोर देन अट्रैक्ट बाइक को बना रहा है और अलग ही लुक इसका लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो इस साइड से तो आपने देख लिया, अब ज़रा इस साइड से भी देख लेते हैं कि कैसा लुक आ रहा है। ये देख सकते हो गाइस, तो इस तरफ से भी यार आप देखोगे ना कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत कुछ बाइक में कर दिया है एक छोटे से काम से, यानी कि सिर्फ ग्राफिक करवाया। और आप यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने गोल्डन कलर का रैप करवाया, जो कि और बाइक को एक नया लुक देने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं गाइस, पास से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे इस तरफ से, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे ना जब बाइक चला रहे होंगे तो कुछ ऐसा सा फील आएगा, कुछ ये हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं है, 4 और 2, यानी कि 4-5 उंगल के बराबर ही इसको सिर्फ यहाँ से किया गया, बाकी यहाँ से हल्का सा एक गुलाई दे दी गई है, जिसके बाद हमने आगे का जो एरिया वो ब्लैक कर दिया है, पीछे का एरिया जो पहले आपको पता ही ऑरेंज ही था, क्योंकि बाइक ऑरेंज कलर की ही है। बाकी बल्कि टायर से और ज़्यादा लुक अच्छा आ रहा है। अगर टायर की आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं मेरे चैनल पर देख लेना, दूसरी तीसरी वीडियो उसी की होगी टायर की, तो वो देख लेना गाइस। तो ये छोटा सा काम था जो मैंने इसमें करवाया है। इसमें करने के लिए क्या आया, सबसे पहले 3M टेप का यूज़ किया है। 3M टेप जो है वो जो ग्राफिक के जो पेपर है ना उस क्वालिटी में सबसे अच्छा क्वालिटी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आके बात ये फंस रही थी कि यहाँ पर ये तो ऑरेंज था, ये था ब्लैक, तो अब इसको कैसे मैनेज करना था। तो हमने क्या किया, जो ऑरेंज वाला एरिया था वहाँ पर हमने ब्लैक ग्राफिक करवाया, और जो ब्लैक वाला एरिया था वहाँ पर हमने ऑरेंज ग्राफिक करवाया, जिसकी वजह से लुक है वो उभर के बाहर आ रहा है, आप देख सकते हो गाइस। तो जो 650 लिखा हुआ है कुल मिला के वो साफ साफ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आप सोच रहे हो ये क्या है, तो गाइस ये उसके ऊपर से मैंने एक बार और लेमिनेशन करा दिए ताकि ये हटे ना, तो एक डबल प्रोटेक्शन के लिए भी मैंने ये करवाया था। अदरवाइज़ पूरी बाइक पहले से ही लेमिनेशन हो रखी है, वो भी 3M पेपर की। ये काम किसने किया है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया है, करोल बाग नाई वाला मार्केट में राज नाम का है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, तो वहाँ पर जाके आप करवा सकते हो और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। क्योंकि ये काम मुझे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग का लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और दिल खुश करने वाला काम है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि हमने ग्राफिक्स करवाए, ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक बाइक ही कंपनी से ही आई थी, ऐसा कुछ फील आ रहा है, आप देख सकते हो, क्योंकि एक एक फिनिशिंग आप देखोगे ना प्रॉपर एकदम। और दूसरी बात यह है कि ये वाटरप्रूफ होते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, अदरवाइज आप निकालोगे तो देखो यार पेंट भी निकल जाता है। तो बस यही सब था, बाकी सब कैसे किया है तो बाकी सब आप वीडियो में देख ही चुके हो पहले ही। ये छोटी छोटी चीज़ें करा के जो खुशी मिलती है ना वो अलग ही लेवल की होती है, और मुझे अपनी बाइक में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कराने का शौक रहता है, क्योंकि मैं कुछ टाइम बाद वो चीज़ें हटा देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, फिर कुछ और नया आता है तो वो ऐड कर लेता हूँ अपने क्लासिक में भी। अगर आपने क्लासिक वाली वीडियो ना देखी तो चेकआउट कर लेना, और अपने इंटरसेप्टर में भी। तो ये आज का जो ब्लॉग था वो था ग्राफिक्स के ऊपर, अगर कुछ समझ ना आया तो कमेंट करके पूछ लेना, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ और आप लोगों के लिए इतनी वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।